सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। बहुत ज्यादा खुश होने पर भी अपने पैर हमेशा जमीन पर ही रखें, क्योंकि खुशियाँ खत्म होने पर जब पुनः आपके पैर जमीन पर पड़ेंगे तो यह आपको बहुत तकलीफ देगी। जिंदगी का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। एक व्यक्ति जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है जीवन में बहुत प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति की हर इच्छा पूरी होती है। भगवान करे उस व्यक्ति की हर इच्छा पूरी हो। आज का पंचांग 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, मांग मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि 6:05 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र 6:45 तक रहेगी। इसके अनुसार अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 3:08 से 4:28 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:08 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर 1:00 तक रहेगी। इसके उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। कुंभ राशि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, कोई करीबी दोस्त आपको अपना राज बताने वाला है। आपको उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनकर ही सलाह और सहानुभूति देनी है। अपने सभी कार्य रचनात्मक तरीके से करें। आप फिलहाल ताकतवर तरीके से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रभाव आपके आसपास के सब लोगों पर पड़ेगा, इसलिए आपको सोच समझकर ही कुछ बोलना और कहना पड़ेगा। आपके भाई बहन या पड़ोसी अभी किसी संकट से गुजर रहे हैं जिसके कारण आपकी यात्रा की योजनाएं जटिल या रद्द हो सकती है। इस समय को उपयोग शांति और आराम के लिए करें। बदलाव जरूरी है किंतु इस संकट में आपका परिवार आपका समर्थन करेगा। अच्छा, आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों का संपूर्ण अर्थ और दिशा बदल सकती है। लोगों को आप बहुत जल्दी प्रभावित कर लेते हैं। आपकी यही विशेषता आपको सफलता दिलाएगी। जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाएंगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। सामाजिक मेल जोल से ज्यादा सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तंग आर्थिक हालातों के चलते कुछ अहम काम बीच में अटक सकता है। दिन को खास बनाने के लिए शाम को परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाने जाएं, कोई पौधा लगाएं। दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। जीवन साथी की ओर से मिले तनाव के चलते सेहत पर बुरा असर पड़ना मुश्किल है। आशा आपको महसूस हो सकता है कि आपका प्रेमी आपसे दूर हो रहा है। आपका उदार स्वभाव आशा आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। पुरानी यादों को जोहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। अपने जरूरी कामों को निपटाकर आज आप अपने लिए समय तो अवश्य निकालेंगे, लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के प्यार की मदद से जिंदगी की मुश्किलों का आसानी से सामना कर सकते हैं। विचारों से ही मनुष्य की दुनिया बदलती है। कोई बेहतरीन किताब पढ़कर आप अपनी विचारधारा को और सशक्त कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक कार्यों पर ज्यादा ध्यान दें। इस समय स्वयं से संबंधित कामों को निपटाने की कोशिश करें। आपका पारिवारिक संबंधी कोई मसला हल होने से घर का वातावरण सुखद होगा। किसी निकट संबंधी के आगमन से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी नए काम की शुरुआत करते समय आपको कठिनाइयों का सामना होगा, लेकिन काम जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम से संबंधित तकलीफ भी दूर होगी। पिताजी की आप पर खास मर्जी बनी रहेगी। काम से संबंधित बातों में आपको योग्य दृष्टि प्राप्त होने की वजह से दुष्टों को मार्गदर्शन दे पाना आपके लिए संभव हो सकता है। आपके द्वारा लिया कोई भी निर्णय पार्टनर के ऊपर थोपने की कोशिश ना करें। मसालेदार पदार्थों से सेवन की वजह से अपचय की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां
संतान की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर कुछ चिंता रहेगी, हालांकि आपके संपर्कों द्वारा कोई समाधान भी मिलेगा। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ अपनी गोपनीयता उजागर ना करें, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके तनाव का असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है। आपसे सूझबूझ से परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयास करें। युवा वर्ग अपनी दोस्ती में गलतफहमियां ना आने दें। बाहर जाएं और अपने साथी के साथ कुछ साहसिक करने की योजना बनाएं। आज जो कुछ भी करेंगे आपको बहुत मजा आएगा। इससे आप और आपके पार्टनर के बीच चल रहे तनाव में कुछ कमी आने की उम्मीद है। आपको अपने नए अनुभवों और भावनाओं को अपने पार्टनर के साथ बांटना अच्छा लगेगा। किसी को प्रभावित करने के लिए आपका चेहरा या सुंदरता नहीं बल्कि आपका आवाज ही काफी है। अपने गायन फैशन या कला का प्रयोग करके भी आप अपने क्रश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। परिवार की समस्याओं को गंभीरता से सुलझाएं, सब कुछ सही होगा। अपने साथी से मिलने की लालसा आज आपको उसके लिए कुछ खास करने के लिए प्रेरित करेगी। आपका प्रेमी आपसे केवल आपका ध्यान और समय चाहता है, इसीलिए एक गुलाब का फूल भी आपके प्यार को प्रभावित कर सकता है। नए रिश्ते में थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए। धन संबंधी समस्याएं भी आपकी राह में आ सकती है। बात करते हैं करियर की। इस समय सहयोगियों या पिता का सलाह आपको भासल लग सकती है, लेकिन याद रखें, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको दिल से राय देते हैं। आप अपने कीमती सामान को लेकर रक्षात्मक हैं, किंतु आपकी सच्ची संपत्ति आपकी कला है। सकारात्मक रखें और सही कनेक्शन ढूंढें। आज नए व्यापारिक गठबंधन बनाने के लिए विदेशी कनेक्शन का लाभ उठाएं। वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन की संभावना है, हालांकि यह बदलाव सकारात्मक है और समृद्धि या विकास का प्रतीक है। लोगों से मिलना जुलना आपके संबंधों को निखारेगा। हमारी किस्मत को बनाना सितारों के बस की बात नहीं है, बल्कि हमारे ही हाथों में है। आज आपका निशाना तीर पर जाकर लगेगा और आपने जो चाहा था वो आपको मिलेगा। बस आप अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि आपके बैठने की जगह में परिवर्तन आ सकता है या आपको एक नई जगह पर कार्य करना पड़ सकता है। आपके धारणा के विपरीत इस नए कार्यालय में आपके आत्मविश्वास और स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। बिजनेस संबंधित कोई भी फैसला करने से पहले अच्छे से सोच विचार जरूर करें। कर्मचारी की सलाह पर भी ध्यान दें, कोई उचित सलाह मिल सकती है। इस समय अपनी व्यावसायिक व्यवस्था तथा कार्य प्रणाली में किए गए बदलाव का उचित परिणाम मिलेगा। बात करते हैं सेहत की। देखा जाए तो आपको अपने दिमाग को लचीली स्थिति में रखना चाहिए, लेकिन आज आप पुरानी बातों को याद करते रहेंगे और ना तो अपने मन की सुनेंगे और ना ही किसी के अच्छे सलाह मानेंगे। आपकी इस जिद्दीपन से घर और ऑफिस में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने दिमाग को खुला रखें और दूसरे लोगों की भी बातें सुनने और समझने की कोशिश करें। आज का उपाय, हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें और गुड़ का भोग लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।